हेलो दोस्तों, मैं हूँ एसपी। हेलो दोस्तों, मैं हूँ एसपी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। अब दोस्तों, इसी महीने मतलब कि 15 अगस्त को ऑफिशियली थिएटर में रिलीज हुआ है बॉलीवुड की मूवी खेल खेल, जिसके अंदर हमें एज ए लीड के तौर पर अक्षय कुमार, फरदीन खान, एम ए ब्रेक, तापसी पन्नू, बानी कपूर के अलावा भी और भी कई सारे एक्टर देखने को मिलते हैं। आप इस मूवी को अब तक थिएटर्स में रिलीज हुए 5 डेज के आसपास का कम्प्लीट हो चुका है और इस मूवी के 5 डेज का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन भी हमारे सामने आ चुका है, जिसके बारे में ही मैं आप लोगों से इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। जो कि करने से पहले, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना, ऐसे ही मूवीज़ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जानने के लिए। जहाँ पे खेल खेल में मूवी का जो टोटल बजट है लगभग 100 करोड़ के आसपास का है, तो उस बजट के सामने इस मूवी को अपने रिलीज होने के फर्स्ट डे को लगभग हमारे इंडिया में 2000 के आसपास के स्क्रीन रिलीज किया गया था। जहाँ पे इस मूवी को लेकर शुरुआत से मार्केट में हाइप काफ़ी कम था, जिसके ऊपर से यह मूवी जिस टाइम पे रिलीज हुआ है उस टाइम पे इस मूवी के ऑपोजिट हमें स्त्री 2 और बेदा जैसी मूवी देखने को मिल रहा है, तो उसके चलते कहीं ना कहीं इस मूवी को अच्छा खासा कंपटीशन का सामना तो करना पड़ चुका है। तो उसी के चलते इस मूवी का एडवांस टिकट जो बुकिंग हुआ था वो भी काफ़ी कम था और इस मूवी ने अपनी रिलीज होने के फर्स्ट डे को लगभग हमारे इंडिया से 5 करोड़ 20 लाख के आसपास का ही बॉक्स ऑफिस पर नेट कलेक्शन करते हुए ओपनिंग लिया था। जो कलेक्शन कर लेने के बाद इस मूवी का रिव्यू भी उतना अच्छा ना निकलने की वजह से इस मूवी का डे वाइज बॉक्स ऑफिस कलेक्शन हमें खास इंक्रीज होते हुए देखने को नहीं मिला है। जहाँ पे खेल खेल में मूवी अपने रिलीज होने के लगभग 4 डेज के अंदर अंदर हमारे इंडिया से 14 करोड़ 70 लाख के आसपास का ही बॉक्स ऑफिस पे नेट कलेक्शन कर पाया है, जिसी के साथ इस मूवी ने अब तक ओवरसीज से भी लगभग 3 करोड़ 50 लाख के आसपास का ही क्रॉस कलेक्शन किया है। जो कलेक्शन कर लेने के बाद इस मूवी ने अपने डे 5 को लगभग हमारे इंडिया से 2 करोड़ के आसपास का ही कलेक्शन किया है, जिस अमाउंट को अगर इस मूवी के 4 डेज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ टोटल किया जाए तो यहाँ पे खेल खेल में मूवी के 5 डेज का जो हमारे इंडिया का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन निकल के आया है वो लगभग 15 करोड़ से लेकर 16 करोड़ के आसपास का चला जाता है। जिस अमाउंट को अगर इस मूवी के 4 डेज के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के साथ टोटल किया जाए तो यहाँ पे खेल खेल में मूवी के 5 डेज का जो हमारे इंडिया का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन होता है वो लगभग 16 करोड़ से लेकर 16 करोड़ 50 लाख के आसपास का चला जाता है। चूंकि एक 100 करोड़ के बजट में बनी मूवी के लिए तो काफ़ी कम कलेक्शन है ही, और अगर इस मूवी को बॉक्स ऑफिस पे हिट का टैग लेना था तो इसे कम से कम 100 करोड़ के ऊपर का तो बॉक्स ऑफिस पे कलेक्शन करना ही पड़ता, जो कलेक्शन शायद ही ये मूवी बॉक्स ऑफिस पे कलेक्ट कर पाए। इसका कि सबसे बड़ा रीज़न तो स्त्री 2 मूवी है ही, जिसके ऊपर से इस मूवी के अंदर एज ए लीड के तौर पर हमें दिखाई देने वाले अक्षय कुमार का कैरियर कुछ टाइम से काफ़ी खराब चलने के वजह से ही कहने के इस मूवी का परफॉर्मेंस भी हमें काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। जहाँ पे वैसे तो अगर इस मूवी को लेके मेरा ओपिनियन अगर आप लोग सुनना चाहो तो ये मूवी ठीक ठाक है। मैंने इस मूवी को देखा है, एक ओके से वन टाइम वॉच मूवी है, जिसे कि आप एक बार जाके थिएटर में तो चेकआउट कर ही सकते हो। वैसे दोस्तों, आप लोगों ने अगर खेल खेल में मूवी को थिएटर में जाके देखा है तो आप लोगों का इस मूवी को लेकर क्या ओपिनियन है इस बारे में आप मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सेट कर देना, ऐसे ही मूवीज़ के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में जानने के लिए। तो चलो, मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।